जिस तरीके से मैं आज नई पेट में हूँ और आप देख रहे हैं कि आज मराठा क्रांति मोर्चा के लिए जोरदार तैयारियां शुरू की गई हैं, जिसमें हर धर्म के लोगों ने हिस्सा लिया है और मराठा आरक्षण के लिए आज लड़ रहे हैं। आज का दिन सर एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आज गए दो चार साल से मराठा क्रांति मोर्चा की तरफ से महाराष्ट्र में बड़ा आंदोलन चल रहा था। आंदोलन के बाद में महाराष्ट्र शासन ने आरक्षण दे दिया था, हाईकोर्ट में वो फाइनल हो गया था, मगर सुप्रीम कोर्ट में स्थगित मिलने की वजह से संपूर्ण महाराष्ट्र में मराठा समाज में अशक्त पसर गई है। संपूर्ण महाराष्ट्र में विद्यार्थियों का एडमिशन का प्रश्न है। दूसरी बात, अभी शासन ने पुलिस भर्ती देने का घाट डाली है, मगर हम पुलिस भर्ती का विरोध कर रहे हैं। मगर जब तक ये महाराष्ट्र शासन के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे, शरद पवार जी, बाळासाहेब थोरात, देवेंद्र फडणवीस जी, ये सब लोग मिलके वो सर्वोच्च न्यायालय का स्थगिति जब तक नहीं उठाए थे तब तक हम मराठा क्रांति मोर्चा की जानिब से हम आंदोलन करते रहेंगे। आज सोलापुर शहर और जिला बंद है, उस बंद के इसमें सब व्यापारी लोग शामिल हुए हैं और मामले मराठा क्रांति के स्वरूप पदाधिकारी तुकाराम नाना मस्के, बाळासाहेब गायकवाड, अपने शेखर पाल, वाई पी पवार, नागेश गोरपड़े, बहुत सारे लोग इधर आने वाले हैं और सब व्यापारियों को विनंती करने वाले हैं कि हमारे मराठा आरक्षण के लिए मुस्लिम समाज, लिंगायत समाज, पद्मचारी समाज, मारवाड़ी समाज, जितने समाज इस सोलापुर शहर में रहने वाले हैं, उस सब समाज ने और व्यापारियों ने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सब लोगों ने पाठिंबा दिया है। इसलिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और मराठा क्रांति की जानिब से जब तक आरक्षण नहीं मिलता तब तक हमारा बड़ा आंदोलन चलता रहेगा। तो आप जब तक आपका हक नहीं मिलता तब तक आप लड़ते रहेंगे? जब तक हमारा आरक्षण नहीं मिलता, इस आरक्षण के लिए 49 युवकों ने बलिदान दिया है, 58 बड़े बड़े मोर्चे हुए हैं, गिनीज बुक ने इसकी मोर्चे की नोंद कर ली है, वो भी इस शासन ने, कुछ तो कमती गिर गए। जब तक हमारा आरक्षण नहीं मिलता तब तक मराठा क्रांति से हम आंदोलन बड़ा हमारा चलते रहेगा। जिस तरह से प्रताप साहब ने अभी कहा है कि जब तक हक नहीं मिलता तब तक लड़ते रहेंगे, और जिस तरह से दूसरे मजाहिब ने भी क्रांति मोर्चा मराठा के लिए यहाँ पर साथ दिया है, उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया है। मैं लोक प्रधान चैनल से सब एडिटर डॉक्टर ए बिजापुरे और मेरे साथ कैमरामैन गफूर साहब सौदागर, निडरता और सच्चाई की खबर, लोक प्रधान न्यूज चैनल।